राज्यसभा के इलेक्शन चल रहे हैं और लगातार यहाँ MLAs वोटिंग कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट दूसरी मरतबा नॉमिनेट हुए डॉक्टर नासिर हुसैन साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दूसरी मरतबा आप नॉमिनेट हुए हैं और राज्यसभा का इलेक्शन इस बार का काफ़ी रोमांचक रहा है, क्योंकि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग के इम्कान बढ़ गए हैं, किस तरह से माहौल लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग पहले से ये कह रहे थे कि हमारा कोई कैंडिडेट क्रॉस वोट नहीं करेगा, ये इलेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। राज्यसभा में जनरली ये होता है कि नंबर ऑफ़ MLAs जिसके हैं उसके हिसाब से राज्यसभा में लोगों को भेजा जाता है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा कैंडिडेट डाल के खरीद फरोश करना, हॉर्स ट्रेडिंग करना, पैसे का इस्तेमाल करना, EDIT CBA का इस्तेमाल करना, डराना धमकाना ब्लैकमेल करना, ये सब हरकतें भाजपा और JDS मिलकर कर रही थी। जिस तरह से भाजपा दूसरे स्टेट्स में करती है, उसी तरीके से यहाँ पे करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ। हमारे सारे MLAs इंटैक्ट हैं और सारे MLAs ढंग से वोट किए हैं और तीनों कांग्रेस के कैंडिडेट जीत के आने के। अच्छा, एक वोट की तो कमी थी क्योंकि आपका एक MLA के इंतकाल हो गया था। इंडिपेंडेंट्स हमारे थे, हमारे साथ में इंडिपेंडेंट जो एसोसिएट मेंबर्स हो गए थे, तो हमें कोई एक्स्ट्रा वोट की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी वोट्स एक्स्ट्रा मिले। BJP के 2 MLA क्रॉस वोट कर रहे हैं आपके? वो लोग क्लेम कर रहे हैं, अब जब रिजल्ट आएंगे जब ही पता चलेगा। जनार्दन रेड्डी का थोड़ा सा रोमांचक रहा क्योंकि अचानक जो है वो कांग्रेस की तरफ। अब देखिए, सरकार है और उधर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को झुकाने की कोशिश करती है, डराने धमकाने की कोशिश करती है, उसके हिसाब से बहुत सारे लोग वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आप बहुत सारे टाइम दबाव में आके उनके साथ में रहते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं दूसरी पार्टी स्ट्रांग है, दूसरी पार्टी की सरकार है, फिर वो दबाव में नहीं आते। तो आसानी से तीनों सीट जीत जाएंगे? तीनों सीट बहुत ही आसानी से जीतेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर्स थे। ये कलेक्टिव लीडरशिप की कामयाबी होगी अगर ऐसा होगा? कर्नाटक में कलेक्टिव लीडरशिप सुरजेवाला जी यहाँ पे पर्सनली देख रहे थे, AICC प्रेसिडेंट लगातार निगाह बनाए रखे थे, वो लगातार पर्सनली उसको मॉनिटर कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर नासिर हुसैन और कांग्रेस के ये अहम लीडर हैं और ख़ास करके इन्हें दूसरी मरतबा ये जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक से आते हैं और राज्यसभा में हमेशा सरगर्म रहते हैं। देखना होगा शाम में ये रिजल्ट होने वाला है, 5 बजे तक रिजल्ट आएगा, किस तरह से रिजल्ट आता है और क्या कामयाबी होती है, हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।